सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा सरकार बेशक जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रही हो, लेकिन हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारी सरकार की इस नीति पर पुलिता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनीपत के गोहाना में एक ऐसे भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है जो कि एक मामले में 60,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो को जैसे ही इस मामले की शिकायत मिली तो एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर रामनिवास को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम हरियाणा में जीरो टॉलरेंस स्थिति पर काम कर रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को शिकंजे में ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण सोनीपत के गोहाना सदर थाने में देखने को मिला। सदर गोहाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रामनिवास एक मामले में एक शख्स से रिश्वत मांग रहा था, तो जिस शख्स से रिश्वत मांगी थी उसने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में दे दी और एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए रामनिवास को धर दबोचा और रामनिवास के कब्जे से 60,000 रुपए भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर रामनिवास को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, एक 318 नंबर FIR दर्ज है सदर गोहाना थाना में, लड़ाई झगड़े का केस है और उसमें जो आज हमारे पास शिकायतकर्ता ACB करनाल में उन्होंने संपर्क किया कि जो सब इंस्पेक्टर रामनिवास हैं इस केस के IO थे, वो जो है उन्होंने 70,000 रुपए की डिमांड की हुई है। दो जो इनमें नामजद थे अरेस्ट हो चुके हैं, उनके अलावा दो और व्यक्तियों के नाम थे इसमें और उनको अरेस्ट करने के लिए और उनको इन्वेस्टिगेशन में रिलीफ दिलवाने के लिए उनसे उन्होंने जो 70,000 डिमांड की थी और 60,000 के साथ आज उनको रेड हैंडेड मौका से गिरफ्तार किया गया है। और कंप्लेनेंट की प्ली ये थी कि जो दो लड़कों के नाम अब आप बता रहे हैं वो झगड़ा में मौका पर नहीं थे, तो वो जैसे पैसे नहीं देना चाहते थे इनको अब, और उन्होंने आज शिकायत मूव की। ACB करनाल ने फिर टीम गठित की और SI रामनिवास को पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहां से गिरफ्तार किया सर इसको? ये सदर थाना गोहाना के बाहर एक चाय की दुकान है उसके पास। सर ये कितने दिन पुराना मामला था? ये इनका जो 318 नंबर FIR है इसी साल की है, लड़ाई झगड़े का केस है। वो अभी हम फाइल लेके आए हैं, वहाँ से कॉल करके आए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में आके देखेंगे आगामी क्या कार्रवाई रहने वाली है। इनको अरेस्ट कर लिया और कल पेश करेंगे। शिकायतकर्ता कौन से गाँव के? शिकायतकर्ता का नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो ऐसा चाहते हैं कि हमारी सूचना अभी उपलब्ध ना करवाई जाए सब।